सो गाइस वेलकम बैक टू ट्वेंटी व्लॉग्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भाई टैक्स के बारे में ठीक है तो आउट ऑफ नोवेयर टैक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंडिया में भी ऑब्वियसली देखो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा होता है और वर्क कैसे करता है एंड नेचुरली अगर आप वहाँ पे मेरे को पता बचपन में इतना लोग इन्फोर्स नहीं करते तो मैं टैक्स समझने के लिए बट जब तुम एक बार ऑस्ट्रेलिया आओगे या फिर कहीं भी अब्रॉड जाओगे तुम्हारे को इनकम मिलेगी विच इज़ अ लीगल इनकम एंड उस पर टैक्स भरना भाई तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तो बहुत ज़रूरी है समझना कि भाई टैक्सेस क्या होते हैं टैक्सेशन का सिस्टम क्या ऑस्ट्रेलिया में एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार लोग ओवरलुक कर जाते हैं इस पर फोकस नहीं करते देन बाद में जब दिक्कत आती है इट इज़ टू लेट टू यू नो गो बैक ऑन इट तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है ठीक है टैक्सेशन की स्लैब्स क्या क्या होती हैं लाइक like, कितनी इनकम पे आपको कितना टैक्स देना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे काम तुम दो चीज़ों पे कर सकते हो फर्स्ट इज टी एफ एन दट इज द टैक्स फाइल नंबर जो होता है तुम्हारा एंड सेकंड यू कैन वर्क ऑन ए बी एन ठीक है तो इन दोनों में फर्क क्या है हाउ डज इट इफेक्ट योर इनकम उस पर बात करेंगे एंड लास्टली डिस्कस करेंगे कि कि टैक्स तुम्हें देखो भरना तो है ही देखा उसमें तो कोई दोरा है ही नहीं बट इज़ इट एक्चुअली वर्थ वर्किंग मोर एंड पेइंग मोर टैक्स देन वर्किंग लेस एंड पेइंग लेस टैक्स क्योंकि देखो हम जब ऑस्ट्रेलिया आए थे लाइक like मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था तो अपना परस्पेक्टिव यही होता है कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे डॉलर में कमाएंगे दवा के कमाएंगे और इतना कमा लेंगे कि अपनी फीस भी कैटर हो जाएगी अपने खर्चे भी कैटर हो जाएंगे हम घर भी भेज पाएंगे थोड़ा पैसा बट इसका एक साइड जो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि द मोर यू अर्न द मोर टैक्स यू हैव टू पे और ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेस भाई काफ़ी हाई हैं नेट पे तुम जाओगे और एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसमें सारे टैक्स के स्लैब्स हैं सो टैक्स इज क्वाइट लॉड इन ऑस्ट्रेलिया तो जो हम सोचते हैं ना कि भाई जितना सारा पैसा कराएंगे वो अपनी जेब में आएगा ऐसा नहीं होता जितना तुम ज्यादा कमाओगे ग्रेजुअली जैसे ही तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा तुम टैक्स बेर कर रहोगे सो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड तो बिना सोचे समझे मतलब भाई बिना देरी करते हुए चालू करते हैं सो so, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टी एफ एन ए नेवियन क्या होता है इस पर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है आराम से क्योंकि इट्स क्वाइट एड डि टॉपिक बट टीएफ बेसिकली टैक्स फाइल नंबर और ये तुम्हारी ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस से जुड़ा होता है विच इज कॉल्ड ए टीओ तो एटीओ एक गवर्निंग बोर्ड है जो तुम्हारा टी एफ एन एंड ए बी एन दोनों ट्रैक करती है दोनों के रिकॉर्ड होता है उनके पास तो टीएफएन भाई आप तब यूज करते हो जब आप किसी इंप्लॉयर के अंदर काम कर रहे हो और आप सैलरी बेसिस पे होते हो आपको इनकम आ रही होती है एंड ए बी एन तब यूज करते हो जब आप अपने आपको एज अ बिजनेस ट्रेड करते हो यू आर एक्टिंग एज अ सोल इंडिविजुअल ट्रेडर ठीक है तो ऑब्वियसली जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी तुम्हें एवीएन पे पे करना पड़ता है और जीएसटी ऐसा कुछ नहीं है टी पे क्योंकि टी पे तो मुझे जो इनकम आ रही है ऑलरेडी उसमें से टैक्स डिडक्शन होकर आएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जितना भी काम करते हैं मोस्टली टी पे करते हैं बिकॉज टी में सबसे पहले तो क्या आपका जो सुपर होता है सुपर एनुएशन उसमें ऑलरेडी कट जाता है एंड टैक्स भी कटा हुआ ही आता है आपको तो आपको इतना टैक्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाती है उसमें से इसमें आजकल क्या चल रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स कैन वर्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स तो टी एफ पर भी लोग भाई पचास साठ सत्तर सत्तर घंटे काम कर रहे हैं एंड एज यू नो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही आपका टैक्स भी बढ़ेगा सिमिलरली आप ए पे कर सकते हो जैसे यहाँ पे बहुत लोग जितने भी सोल बिजनेस कर रहे थे आप अगर डिलीवरी कर रहे हो उबर या उबर इट्स वगैरह कर रहे हो दैट इज डन इंटायरली ऑन ए ठीक है तो उसके टैक्स क्या है ये आपको जो वीकली इनकम आती है ऊबर से उसमें टैक्स डिडक्शन नहीं होता बट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको अपना टैक्स भरना होता है ठीक है तो कंपैरिजन में देखें तो अगर आप टी एफ काम कर रहे हो तो टैक्स आपका वीकली ऑटोमेटिकली कटते जाता है सो इट्स इजी टू कीप ट्रैक बट ए में आपको टैक्स पूरा एक साल बाद भरना होता है ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी अर्निंग्स पता होना चाहिए आपने कितना कमाया कितना घंटे काम किया है क्या क्या आपके सेंडर एक्सपेंसिज हैं सो दैट जब आप टैक्स भरने जाओ आपके पास एक क्लियर स्टेटमेंट हो एंड आपको पता हो एक्जैक्टली exactly आपने टैक्स पे कितना करना है ठीक है यू डोंट नीड टू ओवर पे और अंडर पेयर टैक्सेस आपको जो प्रिसाइज अमाउंट होगा उतना ही पे करना होगा और ये बेस्ट एडवाइस इसमें ये है कि भाई तुम अपने टैक्सेस खुद कैलकुलेट मत करो अनलेस तुम अकाउंट फील्ड से हो तुम्हें भी अपने पूरे टैक्सेस पता है जैसे भाई मुझे तो नहीं पता सो आई ऑलवेज गो टू एन अकाउंटेंट एंड वो हेल्प कर देते हैं आपको मतलब सॉरी और लेके कि आपको कितना टैक्स भरना चाहिए हाउ मच आर यू लाइबल टू पे ठीक है तो ये तो हो गया ए बी एम और टी एफ एम में फर्क देन हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली जितना तुम ज्यादा पे करोगे जितना तुम ज्यादा काम करोगे उतना तुम्हारा ज्यादा टैक्स कटेगा ठीक है एंड टैक्स जो एंड के ईयर में भर, uh, साल के एंड में भरता है वो काफी ज्यादा भी हो जाता है बहुत बार जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो फुल टाइम वर्किंग राइट था उसके पास बट उसने इतना काम किया था कि उसने अट्ठारह हज़ार डॉलर सिर्फ टैक्स टैक्स में पे किया था एट द एंड ऑफ 2020. अब खुद तुम हिसाब लगा लो कि अगर भाई बंदा अट्ठारह हज़ार टैक्स पे कर रहा है सिर्फ पूरे साल का तो इवन दो उसकी इनकम कितनी भी ज्यादा हुई हो उसका अट्ठारह जो बल्क था उसके इनकम का वो सिर्फ टैक्स में गया है तो इसलिए बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई इतना वर्क मत करो कि तुम ज्यादा पैसा तो तुम कमा लोगे बट उतना ही ज्यादा तुम्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा तो आप उतनी अपनी इनकम रखो जितना मतलब तुम्हारा ना गुजारा हो जाए मतलब सेविंग नेचुरली तुम्हें सेविंग करनी है ऑब्वियसली बात है बट सेविंग को साइड रख के तुम्हारे एक्सपेंसिस निकल जाए तो मतलब एक एवरेज अमाउंट बता तो अगर तुम महीने का लाइक फोर वीक्स अगर तुम फोर्टी फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड डॉलर कमा रहे हो तो ईजिली भाई एक बंदे के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट ठीक है तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि भाई इतना ज्यादा काम मत करो कि तुम तो मेरी इनकम बढ़ जाए और तुम टैक्स बहुत ज्यादा तुम्हें पे करना पड़े क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि हमने साल भर काम कर लिया और जब ईयर जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता था थर्टी फर्स्ट जून को ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम जब टैक्स पे करने की बारी हमने कहा भाई इतना अमाउंट कैसे बन गया बट वेन यू लुक एट योर पे स्लिप्स वेन लुक एट योर अर्निंग्स क्योंकि होता है कि हमारे पास पैसे आते हैं, हम खर्च कर देते हैं टैक्स जब पे करने की बारी आएगी तो वो पैसा भाई बहुत चुभेगा आपको तो प्लीज कीप दैट इन माइंड जब तो हम बात करते हैं कि टैक्स के स्लैब्स क्या होते हैं ठीक है थीके? तो मोस्टली जो टैक्स होता है ऑस्ट्रेलिया में दैट इज डिपेंड दैट डिपेंड्स ऑन योर एनुअल इनकम ठीक है तो अगर आपकी एनुअल इनकम जीरो डॉलर से लेके अठारह हजार दो सौ डॉलर के बीच है तो भाई तुम पहले ही तो बिल्कुल एग्जाम हो टैक्स तुम्हें कोई पे करने की जरूरत नहीं है तुम्हारा सिर्फ दो परसेंट मेडिकल का कटेगा जो अपना आप कट के आएगा अपने तुम्हारे एम्प्लॉय से और तुम्हें सुपर एनुएशन का जो थोड़ा बहुत होता है वो पे करना पड़ेगा बट यू आर एग्जेप्टेड फ्रॉम टैक्स देन अगर आपकी एनुअल इनकम अठारह हजार दो सौ डॉलर और पैंतालीस हजार के बीच में इज एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर उजेंड तो आपका जो फ्लैट टैक्स रेट होता है तो अगर आप फोर्टी थाउजेंड एनुअली कमा रहे हो उसका नाइनटीन परसेंट आप सिर्फ टैक्स भरोगे, ठीक है उन्नीस परसेंट देन इससे चलते हैं तो अगर आपकी से लेके वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर के बीच है दैट इज फ्रॉम फोर्टी फाइव के टू वन ट्वेंटी के तब आपका टैक्स भाई ऑलमोस्ट थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट टू ज्यादा है विट इज क्वाइट अलॉट क्योंकि तुम लगाओ कि अगर तुम एक लाख डॉलर कमा रहे हो पूरे साल कराज हंड्रेड के तो उसका थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट भाई सिर्फ तुम्हारा टैक्स जा रहा है जो गवर्नमेंट तुमसे चार्ज कर रही है तो दैट्स वाई आप तुम ट्रेंड देख सकते हो कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स भी बढ़ता रहेगा और भाई इससे एक स्टेप और ऊपर है अगर तुम एक लाख बीस हजार डॉलर से सॉरी वन ट्वेंटी के डॉलर्स टू वन एट्टी के डॉलर्स कमा रहे हो तो भाई थर्टी सेवन परसेंट टैक्स लगेगा तुम्हारा एन अदर इंक्रीमेंट ठीक है और अगर तुम भाई वन एटी के प्लस कमा रहे हो अगर तुम्हारे साल की इनकम एक लाख अस्सी डॉलर से ऊपर है तो तुम फोर्टी फाइव परसेंट टैक्स दे रहे हो भाई मतलब इमेजिन करो कि तुम पूरे <coughs> साल में अगर थ्री हंड्रेड के कमा रहे हो तो उसका फोर्टी फाइव परसेंट भाई सिर्फ टैक्स जा रहा है जो तुम गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो इवन तो सुनने में अच्छा लगता है कि भाई हमने इतने पैसे कमा लिए बट उसका देखो तुम ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट इतना फर्क नहीं है तुम ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट अपने टैक्स में निकाल दोगे तो दैट इज आई थिंक इज अ रियली हाई अमाउंट और चेला की रियलिटी यही है तुम्हें तो बहुत टैक्स पे करना पड़ता है बट अगर तुम मुझसे पूछो जो जितने भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्लैब आएगी रफली बिटवीन देखो अठारह से पैंतालीस हज़ार में भी स्लैब आ सकते हैं अगर बंदे कम काम करते हैं ठीक है दैट इज ओनली नाइनटीन परसेंट बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनका स्लैब आता फोर्टी फाइव के टू वन ट्वेंटी के बीच में एनुअल इनकम का एंड उसका फ्लैट टैक्स फ्लैट टैक्स होता तुम्हारा थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट तो आई होप इन स्लैब से तुम आइडिया लग जाए कि तुम जितने पैसे कमाओगे उसके हिसाब से तुम्हें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा और इसका एक प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ए टी ओ की लिंक है वो प्रॉपर ए टी ओ स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस आर्थिंक मैंने बता दिया है. तो तुम उस पर जाके अपने टैक्स की फर्दर इंफॉमेशन ले सकते हो एंड एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि भाई कभी भी ऐसा मत करना कि तुम अपने टैक्सेस पे ना करो अमाउंट जितना मर्जी छोटा हो ए टी ओ कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी एक्टिविटी एवरी एक्सपेंडिचर और जो तुम्हारा टी एफ एन होता है खासकर दैट इज लिंक टू योर बैंक अकाउंट ठीक है तो अगर मान लो तुमने डिक्लेयेर किया कि भाई मेरे इतने खर्चे हो गए थे एंड आई नीड अ टैक्स रिटर्न या मुझे टैक्स पे रिबेट चाहिए कुछ कम करना है सारा रिकॉर्ड होता है अगर उसमें कुछ भी फर्जी होगा या कुछ भी फेक होगा तो भाई वो ईजिली ट्रेसेबल है और तुम्हें भाई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएंगे तो जिस जिसको नहीं पता भाई प्लीज टेक, टेक योर टैक्सी सीरियसली एंड एक टिप जो मैं ये देना चाहूंगा कि डोंट अर्न मोर देन वॉट यू तो रिक्वायर ठीक है अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा गुजारा 2500 से 3000 डॉलर में हो रहा है महीने का देन डोंट गो एंड एम फॉर सिक्स थाउजेंड डॉलर और सेवन थाउजेंड डॉलर क्योंकि तुम साल के एंड में जब टैक्स भरोगे भाई तुम खुद ही हैरान हो जाओगे इतनी इनकम मैंने कमाई तो थी पहली बात तो वो गई कहाँ क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं दूसरी बात कि भाई वो टैक्स जब पे करना होगा तो कैसे पे करोगे अगर तुम्हारे अकाउंट में नहीं होने तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा बहुत रिवेट मिलता बट इतना भी नहीं कि वो तुम्हारा पूरा टैक्स ही माफ कर देंगे ठीक है तो आई होप भाई ये वीडियो तुम्हें सेंसिबल लगी हो मैंने तुम्हें तो अर्निंग ऑप्शन बता दिया कि यू कैन अर्न अर्नर ऑन टी एफ एन और ऑन ए बी एन दोनों के अपने अपने फायदे हैं बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन वॉट वर्क आर यू डूइंग अगर आप ऊबर वगैरह कर रहे हो ओला डी कर रहे हो तो डेफिनेटली विल भी वर्किंग ऑन ऊबर वर्किंग ऑन ए बी एन ए बी एन में आपको टैक्स तो देना पड़ेगा साथ में जी एस टी अलग से पे करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर ट्रीटिंग योर प्रोफेशन एज अ बिजनेस ठीक है सिमिलरली टी एफ एन पर काम कर रहे हो तो उसमें भाई जब आपको सैलरी आएगी वीकली जो पे स्लिप आएगी वो उसमें ऑलरेडी टैक्स का डिडक्शन होगा दो परसेंट आपका मेडिकेयर का डिडक्शन होगा और शायद सिक्सटीन परसेंट अराउंड आपका होता है सुपर एनोवेशन का एम नॉट श्योर एग्जैक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड ऑब्वियस यू नो दिसब्स नाव तो वही आई होप दिस वीडियो हेल्प सीआउ जब ऑस्ट्रेलिया आओगे, गए ऑन करना स्टार्ट करोगे मेक श्योर sure कि जितना आप कमा रहे हो उतना उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स भी भर रहे हो टैक्स पेंग Really offense, अगर आप पे नहीं करते तो भाई इस वीडियो से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टैक्स के रिगार्डिंग तुम्हें हेल्प चाहिए हो प्लीज मेक श्यूर कमेंट डाउन हेल्प यू आउट डिस्क्रिप्शन डाला इसको प्लीज चेक कर लेना ईटीओ के ऑफिशियल वेबसाइट है एंड सारे टैक्स की इनफॉर्मेशन तुम्हें इस लिंक पे ही मिल जाएगी बकायदा ठीक है तो हो सकता है तुम्हें आ, कमेंट करने की निर्दा भी पड़े बाकी तुम्हारे भाई ने एक और गाड़ी ले ली है इस पर वीडियो जल्द आएगी स्टे ट्यून कोई और वीडियो चाहिए कमेंट करो कर नेक्स्ट वन